कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रोनल्ड। तो दोस्तों, आज मैं आपको डिफरेंसेस बिटवीन इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। क्या आपको स्टॉक्स में या क्रिप्टो में या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, या आपको आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो किस पर्टिकुलर चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है उसका डिफरेंसेस बताऊंगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मेजर डिफरेंस यही है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब अगर आप बिगिनर है तो आपके नॉलेज और स्किल्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपका बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, आपको एड्स चलाना है, या आपको ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है, या अगर आप मतलब उससे भी एडवांस लेवल में हैं तो आपको तब आपको सोचना है कि आपको स्टॉक्स में या क्रिप्टो में या आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो कई सारा बिगिनर्स मैंने देखा है वो ये मिस्टेक करते हैं कि मतलब वो बिगिनर के स्टेज में रहते हैं और वो हमेशा मतलब तो वो बेसिकली मतलब क्रिप्टो में या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हमेशा मतलब चाहे आपने कई बार सुना होगा वो हमेशा गैम्बलिंग ही है। कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है स्टॉक मार्केट को। कई सारा मतलब यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, टेलीग्राम चैनल, वो उन सभी चैनल ज्वाइन होकर मतलब कई सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है। आपको उन सभी चीज़ तभी देखना है जब आपके पास मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कई सारा मतलब रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और एक 10-12% रिटर्न्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्गर पीरियड के लिए, तब आपको देखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आप उसको ही करके आप इनकम जनरेट करेंगे, मतलब डिपेंडेबल रहेंगे। तो उस तरह आप सोचेंगे तो वो लिटरली गैम्बलिंग हो जाएगा, आप लक पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा और वो सस्टेनेबल भी नहीं है। तो हमेशा आपको ये चीज़ याद रखना है, मतलब इन्वेस्टमेंट ही है, सब कुछ इन्वेस्टमेंट ही है, चाहे आप बिजनेस करो या जॉब करो। यदि आपका मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप किस स्टेज में है वो आपको देखना है। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है, आपको एक्सपेक्टेड मतलब एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है, तो आपको डेफिनेटली आपके नॉलेज और स्किल्स में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि उसमें आपको 100x रिटर्न्स मिलता है। तो मेरा अगर मैं कहूँ तो मैंने मतलब जितना भी मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ तो उसके लिए मैंने जितना भी मतलब प्रोग्राम ज्वाइन किया था, जितने भी कोर्सेस लिया था, तो उसको उसके ऊपर मतलब 100x रिटर्न्स मैंने किया है। तो जितना भी मैंने स्पेंड किया था उसका मतलब मैंने 100x रिटर्न किया था। मैंने अराउंड 20-25,000 मैंने इन्वेस्ट किया होगा स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 1.5-2 years में ही 1.5 CR से भी ज़्यादा जनरेट किया था। तो उस तरह है, अगर आप बिगिनर है तो अगर आप नॉलेज और स्किल्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 100x रिटर्न्स मिलता है। और इसके बाद बिजनेस में क्या होता है, जब आपके एक सस्टेनेबल बिजनेस है तो उसको आप ग्रो करना चाहते हैं, उसमें एड्स में चलाते हैं या ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, तो वो पर्टिकुलर बिजनेस में वो डिपेंड होता है। तो उसमें आप 10x रिटर्न्स आप कर सकते हैं, तो वो ही पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है। और एक चीज़ जैसे मैंने पहले कहा, 10% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, क्रिप्टो में हुआ हो या रियल एस्टेट में हुआ हो। कई सारा लोग मतलब अलग अलग बिजनेस होने के बाद करते हैं, पेट्रोल पंप ओपन करते हैं या उनका एक बड़ा रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली मतलब वो स्टार्टिंग स्टेज में ही आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो कोई भी मतलब पहले वही बिजनेस करके मतलब रिच नहीं होता है, कोई एक बिजनेस करते हैं उसमें रिच होते हैं, फिर जाके उन जैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी बहुत ही लमसम अमाउंट और लॉन्गर पीरियड के लिए उनको वेट करना पड़ता है उससे प्रॉफिट आने के लिए। पर उससे उनको एक रेस्पेक्ट मिलता है। अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लैंडलॉर्ड बन सकते हैं, अगर आपका एक बड़ा रेस्टोरेंट है तो कई सारा मतलब एक रेस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कई सारा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर कई सारा बिगिनर्स मतलब ये गलत करते हैं, स्पेशली क्रिप्टो को लेकर, स्टॉक्स को लेकर। तो इसलिए मैंने एक्चुअली ये वीडियो बनाया था किस चीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि सब कुछ जैसे मैंने पहले कहा इन्वेस्टमेंट ही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे हैं। मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा और मेरा सारा रिसोर्सेस आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। मेरा लर्निंग ऐप भी है और मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं आप, वहाँ पर मुझे DM कर सकते हैं, आपका क्वेरीज कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। So, how much money do you make in a day? It's like around 20,000 to 30,000 rupees per day, like, you know, every single day.